मैं तो सोच रहा था तुम और मैं इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचे? एक-एक दिन करके, हमने एक-एक दिन करके मेहनत करके अपने आप को यहाँ पहुँचाया है, मेहनत की है यहाँ आने के लिए। और देखो आज हमारा ख्वाब पूरा हुआ, मेहनत रंग लाई और हमें उसी शख्स से सबसे ज्यादा नफरत है जिसके बारे में ये सोचते थे इसके बगैर कोई भी मिनट नहीं रह सकती। बेकार सोचते, बिल्कुल बेमकसद, बेमानी जिंदगी ऐसे ही शायद सबकी हो। हम सब अपनी वफादारियां बदलते हैं। हाँ, ये तुमने ठीक कहा, हम सब मुनाफिक हैं शायद, लेकिन पहली शादी में ऐसा नहीं तब तो हमें लगता है हमारे अंदर कोई रोमांटिक राज जो सिर्फ हमारे अंदर है या उस शख्स ने हमसे मिला है। ये मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं तो एक ही करके पछता हूँ। हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर कोई कमी, उस कमी को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्या कर बैठते हैं? शादी। जो पहला चुतिया हमें मुस्कुरा कर देता था, हमें लगता है ये हमारे लिए परफेक्ट है, या वो शख्स जो हमें घर ड्रॉप कर दे या फिर यहाँ लेकर घूमते हैं। लेकिन शुक्र है ये छह बात कम से कम मुझ पर साबित नहीं आई, क्योंकि मैं वो पहला शख्स नहीं हूँ जिसने तुम्हें प्रपोज किया। फिर तो मैं तुमसे मेरी ये मुराद थी कि तुम वो शख्स हो जिसको ये मालूम था प्रपोज करूंगा तो मान जाएगी। बहुत बड़ा मजाक है ये। मजाक की क्या? नहीं मतलब जो भी कुछ तुमने ये किया और कहा, ये चुकिया था, इसमें तो सारा किया तेरा तुम्हारा है, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं। कोई ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं। लिसन, एक मिनट रुको, मुझे बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता था, इतना ही बेकार किस्म का आदमी हूं मैं, एक ऐसा शख्स जिसके साथ आप एक मिनट नहीं गुजार सकते, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? आई थिंक सेफ्टी। देखो सेफ्टी यू, क्योंकि मुझे तुमसे कभी कोई थ्रेट ही फील नहीं हुआ। थ्रेट कैसे फील होता? थ्रेट वहाँ हो जहाँ पे कंपटीशन हो। कंपटीशन कैसे होता? हजार दफा तो फेल होने की वजह से तुम मेरे क्लास फेलो। मैंने देखा जब से लोगों को ये इंप्रेशन है तब किया टुगेदर यूनिवर्सिटी का ऐला मैला स्टाफ मुझे अप्रोच नहीं करता, बेनिफिट्स यू नो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छी बातें भी थी, इनफैक्ट ये एक अच्छी बात थी, प्रोटेक्शन। लेकिन वो भी खास तरह की प्रोटेक्शन। आई मीन एक सेकंड थोड़ा वेट करो, आ रहा है नाम में डिस्क्राइब करने दो। यस या भाई टाइप रखनी होती है ना, जो भाई टाइप या ये झूठ है, बकवास है ये। ऐसा ही था, ऐसा कुछ नहीं था बकवास। अच्छा अगर मेरे लिए कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तुम रात को बेहतर नहीं जा सकती है तो मैं कह देती हूँ ऐसा कुछ नहीं था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे पता ना हो कि तुम क्या चीज थे। देखो मेरे बारे में बात नहीं समझी तो तुम सारा दिन यही करती हो ना, बच्चे सुनेंगे तो उनकी क्या असर पड़ेगा। बच्चों के लिए फिक्र मत करो, उनसे तो मैं तुम्हारी हीरोइक दास्तानें सुनाती रहती हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कोई पैसे देता है ऐसे झूठ बोलने के लिए। मैं समझा, ये जो तुमने मुझ पर केस करके बच्चों की कस्टडी के लिए उनको तहफ्फुज़ देने के लिए जो तुम खेल रही हो, मैं सब समझ रहा हूँ। खेल नहीं खेल रही, सच बोल रही हूँ। बच्चों का पूरा हक है कि उन्हें बताया जाए कि उनका बाप क्या चीज था और क्या हो चुका। क्या चीज था? क्या था? तुमने जिंदगी में भी तो मुझे चाहा होगा। होगा क्या मतलब? चाहा था, तुमने मुझे चाहा था, मैंने तुम्हें चाहा था, तभी तो शादी हुई, तभी तो बच्चे हुए। देखो अब तुम कह रहे हो सकता है मैंने तुम्हें नहीं चाहा, बट देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। तुम्हारी याद होने से ना होने से क्या फर्क पड़ता? तुम भी मुझे चाहती थी और मैं भी तुम्हें चाहता था। तुम याद करो जब हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते थे कितना खुश होते थे, घूमते थे, फिरते थे। उस लम्हे में किसी एक जगह तो तुमने मुझे चाहा होगा ना? हाँ? मुझे नहीं याद। इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं जानता हूँ और तुम भी ये जानते हो कि तुमने भी मुझे चाहा था और मैंने भी तुम्हें चाहा, लेकिन हमने इस रिश्ते को बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम जानना क्या चाह रहे हो। यानी ये 9 साल की शादी, इसके लिए तुम अक्सर कहा करते हो जहन्नम भरी शादी, उसमें मैंने कहीं तुम्हें चाहा था या नहीं चाहा। आई मीन तुम क्या जानना चाह रहे हो? आई मीन व्हाट? यार मैं कुछ जानना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। मुझे मैं कुछ जानना नहीं चाहता। मैं सब तुम्हें हकीकत पता कि ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। ओके, सॉरी, मैं ये सब कुछ मैं नहीं कहना चाहता था। मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं कहा कि तुम्हें कि मुझे तुमने सब कुछ इसलिए कहा ताकि मुझे तकलीफ हो। तुम्हें तकलीफ? कैसा लगा था? तकलीफ होना कैसा लगता है? Thank you. My pleasure. देखो, ये जो हम कर रहे हैं, mind you, ये हम करने जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ इसकी शुरुआत सच्चाई से। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन वक्त है और शायद ये दोबारा ना आए। और जबकि हम एक दूसरे से इतनी सच्चाई से बात करें, इतनी ध्यानदारी से, तो हमें बात कर लेनी चाहिए। पहला सच ये है कि तुम्हें और मुझे एक दूसरे से रत्ती बराबर मोहब्बत नहीं करेगी, इतनी सी भी नहीं। और दूसरा सच ये है कि मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ, मेरा तलाक हो चुका है और मुझे तुम्हारे साथ गुजारे हुए हर लम्हे से नफरत है, उस पर दुख होता है, अपने आप से शर्मिंदगी होती है। ये है तुम्हारे और मेरे रिश्ते का सच। खतरनाक हद तक सच बोल रही हैं। थैंक यू वेरी मच। देखो, हम फजूल बातों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें बैठ के बात कर लेनी चाहिए उन सारे मामलों पर जिन्हें अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो हम बात ही तो कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, मेरा ख्याल है हमें कुछ हिसाब किताब की बात कर लेनी चाहिए। हिसाब किताब? मतलब जो चीजें हैं वो, मतलब जो चीजें बांट लेते हैं आपस में यार। तो तुम यहाँ ये बात करने आए थे? नहीं, सिर्फ ये बात नहीं, ऑब्वियसली मैं तो ये थी वो बात, इसलिए तो कह रहे थे मुझे तुमसे मिलना ही है। हाँ, ये तुम हर वक्त मुझे कटहरे में खड़ा करके घटिया इंसान साबित करने की कोशिश करती हो। ठीक है, ये बात भी है, लेकिन वो कोई और बात है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ। अच्छा, तो बात करते हैं, क्या करेंगे? तुम रखोगे या मैं रखूं? Just stop it, I said. मैं इन दो तरह की चीजों में तुमसे बहस नहीं करना चाहता। देखो, I'm serious here. सही है? मैं चाहता हूँ हम सुकून से इस मामले पर बात करें, please। तो हम इतनी देर से बात ही तो कर रहे हैं। लेकिन उसमें बात नहीं कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब हम बात कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं जो तुम चाह रहे हो। क्योंकि तुम सुनना नहीं चाहती, तुम बैठोगी तो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। बैठो। ठीक है। देखो, बात ये है कि जब से हम जुड़ा हुए पहले तुम बोलो, ठीक है? I need some time. बोलो। Just stop it, I said. ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें कहा ना, चीजों पे मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या? I just want to make a point कि मैं चीजों की नहीं, I'm talking about some substance. मैं जिंदा हकीकत की बात कर रहा हूँ। जिंदा हकीकत? क्या? क्या नहीं, कौन? से यार इतनी कूल मत हंसो तुम यार। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे मेरे झगड़ों में उनका क्या कसूर है? वो चीजों पर करें, बताओ मुझे। Excuse me? रख लो। तुम्हें बच्चे चाहिए थे, तुम रख लो। मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, ना मुझे उनसे दिलचस्पी। नहीं, लेकिन इसमें तो बात ही नहीं हुई ना, ये तो हमें तय करना था कि कौन रखेगा। ये क्या कह रही हो तुम कुछ नहीं समझे। अरे मैं तो ये समझा था कि तुम्हें कोई पैसे चाहिए उनकी कस्टडी के लिए, कोई स्कूल लाने ले जाने के लिए, कोई ड्यूटी लगवानी है, कोई मांग पूरी करनी है। तो फिर ये 3 महीने में क्यों तमाशा करा दिया? क्यों केस क्यों ठोका मुझ पे फिर तुमने? बोलो बोलो ना। तरह तुमने सिर्फ फैक्ट्स को देखा, उसके उसके अंदर देखने के तो तुम है ही नहीं हो। मैं तो नहीं हूं तो तुम तो हो ना। ठीक है मैं बैठ जाता हूं यहां। 4 साल के मासूम बच्चे की तरह बैठ जाओ। तो तुम मुझे समझाओ ना, उस्तादी बनके समझाओ। बैठो बैठो ना। पकड़ रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? खुद को पता नहीं क्या समझ रही हो तुम। ये 5 साल के 4 साल के छोटे बच्चे जिनको बोलना भी सही से नहीं आता, उनके बारे में कोई इंतजार बोलता है? तुम क्या समझती हो तुम्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए या हमारी आने वाली नस्लों को? किसी को भी। हमारी आने वाली नस्लें ना हम इसमें कोई ऐसा नहीं है जिनका नाम सुनहरी रंगों से तारीख में लिखा जाए। अगर कोई थे तो हमारे आबा अजदाद, हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने जंगी आजादी में अपनी जानें दी, अपनी जानों की नजराने दिए, खून बहाया। वो बेचारे जो ये समझते थे कि ये जंग खत्म करने के लिए हो रही, अमन कायम करने के लिए हो रही, वो मासूम लोगों को क्या पता था कि वो जिनके लिए जानों का नजराना दे रहे हैं, उनकी औलादें अपनी ही औलादों के लिए इतना जहर मिलेगी, इतनी नफरत। तुम नहीं जानते हो क्या कह रही। कुछ नहीं सुना मुझे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर किसी को मारना होता है ना किसी को, तो वो दिन दिहाड़े गोलियां मार के चला जाता है, जैसे सभी को मार दिया उन्होंने। और मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तुम्हारी तरह किसी पे केस नहीं ठोका। लोग हम दोनों जानते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तुम्हें और मुझमें सिर्फ इतना फर्क है कि मैंने बहुत जल्दी बहुत कुछ फेस कर लिया है। मैं थक गई हूँ राग अलापते पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में, तुम्हारे वकील के सामने, अपने वकील के सामने, जज के सामने झूठ बोलते बोलते अब मैं थक गई हूँ जिस प्रोसेस में तुम चल रहे हो। फेस इट, सच बताओ तुम्हारे या मेरे लिए हमारे बच्चे कुछ नहीं। ये वो मोहरे हैं जिस पर बैठकर हम पत्तेबाजी करते हैं, और ये हमारे एक्सपर्टीज ये हम पे ज्यादा से ज्यादा वक्त इसलिए लगाते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल जनरेट कर सकें। दैट्स इट। मतलब मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं नहीं देख सकती ये बार मजीद। मेरा बस नहीं चलता, मैं क्या करूँगी। ये मेरे सामने आते हैं ना अपनी क्यूट शक्लें लेके फरमाइशें करते हैं। चाहता मैं रात को जो सो रहे हो लेकिन खाने में जहर मिला दो, इनको मॉल में जाकर डाउन कर दो। अब जिस शख्स को ऐसे ख्याल आते हैं वो उन्हें बच्चे की परवरिश तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और बच्चों को साथ रहना चाहिए। ज़ाहिर है उनका हाथ छोटे बच्चे, यानी तुम भी ये चाहते हो कि उन्हें अलग ना किया जाए। हाँ ठीक है, हक है उनका। मैं तुम्हें एक बात बता, तुम इन बच्चों से सिर्फ इसलिए नफरत करती हो क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। तुम्हें इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये सी ग्रेडर्स हैं, एवरेज बच्चे हैं। ये तुम कैसे सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा आपके कानों में कि तुमने इतनी बकवास किया उनके बारे में, इतने मासूम बच्चों के बारे में। तुमने जो कुछ कहा ना, दिस इज फकिंग सिक, दिस इज शिट, दिस इज फक। जी ये ना किया होता तो ये दो मसले ना हुए होते। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ताकत पड़ी। सेंस ऑफ ह्यूमर तुम्हारा अच्छा हो गया, फिर लोग समझने लगे। हाँ। देखो मुझे कॉलेज जाना है तो जल्दी जल्दी बात कर लो, मुझे भी इंटरनेशनल कॉल। अब इसकी तफसीलात मत बताने बैठ जाना प्लीज। आई हैव नो इंटरेस्ट इन योर वर्क। अच्छा तुम्हारा काम है, मेरा काम कुछ नहीं। एनीवेज जो भी है बैठो बात। खैर क्या करना है, लोग हमेशा यही होता है। तुम बोलते हो बताओ क्या, तुम क्या सोच रही हो? राइट, आई वांट टू चेंज दिस टाइम। हम दोनों में सिर्फ तुम हो जिसने अभी तक ये नहीं बताया कि वो क्या महसूस करता है। समझे नहीं, मैं नहीं कह सकता कुछ। कह दो ना, मुझे गिल्ट होता है। आई कह दो, वो मत कहो जो सोसाइटी ने डिक्टेट करके ठूसा हुआ है तुम्हारे दिमाग के अंदर। ऐसी बात करो, मैं तुम्हें बिल्कुल जज नहीं करूंगी। खुद से बोलो। उसे नहीं कहा जाएगा यार, बहुत मुश्किल है। नहीं बहुत आसान है, बस कहना होता है, कह दो। जिंदगी होती है, मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ। तो मासूम बच्चे आएंगे कैसे बोलूँ मैं? कैसे बोलते? देखो, and I don't like kids. Seriously, I can't do it. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ, मुझे दुनिया जहां में किसी के बच्चे पसंद नहीं है। सीरियसली ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन में निगलेक्ट किया गया हो या मैं कोई महरूमी का शिकार ना हो या मुझे तवज्जो नहीं मिली या इवन मुझे बहुत प्यार भी मिला हो, फिर भी पता नहीं क्यों मैं मेरे बच्चों से बनती नहीं है। और जहां मैं रह रहा हूँ वहां इतनी जगह नहीं है कि मैं उनको रख सकूँ। उनका स्कूल भी बहुत दूर है, मतलब कैसे मैं आऊंगा जाऊंगा, मैं अपने घर पर ही नहीं होता हूं, मैं क्या करूंगा मैं? सॉरी। और जब हमारी शादी हो रही थी तो मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था शायद। मैंने गलती की, मैं समझा शायद शादी में तो बच्चे होते ही हैं और अच्छा नहीं लगता था, तुमसे पूछूंगा तो मैं सॉरी। दिस इज Hey you are. देखो तुमने अपने पिछली बात की, बहुत अच्छा किया। और ये बात भी है कि बिल्कुल हमें हक है कि हम वो करें जो हमारे दिल में है, लेकिन साथ के साथ में ये भी तो देखना होता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना? इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, जॉइंट कस्टडी। नहीं, फिर से वही तमाशा नहीं। सॉरी, ट्रस्ट मी, कुछ सब तमाशा नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। हम कैलेंडर में डेट्स मार्क करेंगे, हम एक दूसरे के स्केड्यूल के हिसाब से अपने स्केड्यूल सेट करेंगे एंड सब कुछ बिल्कुल सेट जाएगा। लोग लाएंगे, लोग देखेंगे कि हम अपने बच्चों की परवरिश के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। लोग, हम ये गेम खेले हुए हैं, हमें इसके सारे रूल्स पता है, हम जीत के निकलेंगे। मतलब ये वही करेंगे जो इस सिचुएशन में सारी दुनिया करती है। Massive part. Right? Yeah, right. Okay. Change नहीं करोगे ना mind? नहीं, obviously ठीक है, समझ में आती है मुझे बात। Okay. चीजों के बारे में? अरे हाँ, वो मैं list बना के लाया था। List? कितनी तैयारी से आए थे? नहीं, बस ऐसे ही नाश्ते की टेबल पे बैठा था तो नाश्ते की टेबल का इंतखाब बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसमें दिमाग बिल्कुल खाली होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं भूला होगा तुझे। ये करो क्या? मेरी हर बात पे आप तंज मारती रहोगी, कैसे होगी बात यार? मतलब मेरा ख्याल से मैं बता ही देता हूँ, तंज से बातों के लिए बहुत देर हो गई है। जल्दी बताओ, आई टोल्ड यू मुझे वाला जाना। क्या करना है? गाड़ी का रखनी है बट जैक इज माइन। आई लव डॉग्स। श्योर। और तुम भी रख लेना, वो ड्राइंग रूम की पेंटिंग्स तुम रख लेना और लाउंज वाला बड़ा मिरर भी। गाड़ी आपके पास, फिर और दूसरी चीजें मेरे पास। इतनी फयासी मैंने पहले ही देखी। पर done. Yeah, done. Done deal. Done deal. वैसे मुझे ऐसा लगता है मैं ये श्राप बैनर की फिल्में देखी काम करें। सारी किताबें हैं ये हम कैसे अलग करेंगे? आई मीन ज़्यादा ही है। काम करते हैं ये पोर्शन मैं रख लेता हूँ, ये पोर्शन तुम रख लो, सही है? हाँ कौन सा रखोगे तुम? ये मैं रखता हूँ। नहीं नहीं वहाँ ऐसी बहुत किताबें होनी चाहिए। ऐसी कौन सी किताब? ओहो वाइल्ड बर्ड्स ऑफ इंडिया। और ये वो तो बातें आ रही है। I mean, my Kafka, my Dostoevsky, my Kurkulan Heather, my collection of past poetry, यार प्लीज गॉड से ये फारसी में संस्कृत उतर जाती है, समझ नहीं आती। तुम कोई इकबाल या कोई गालिब की कसम सुनाओ ना, मतलब जिसे गुनगुना भी सके, मजा तो आए हैं। Yes. Here it is. Your bottle. ये लो। किसी सर्द रात को अपने आप को गर्माने के लिए तुम्हें बहुत मुफीद रहेगी। ये तो शौक से पढ़ती रही हो तुम। नहीं। मैं इसका एक पुराना एडिशन पढ़ चुकी हूँ, तब तो मुझे जानती नहीं थी। जब तुम खूब पढ़ा करती थी। देखो एक सर्कल साफ लिखने पड़े वाले लोगों। कितना बुरा होगा। तुम्हें उस पढ़े लिखे सर्कल से खसील के जहालत के अंधेरों में छोड़ दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट की बात। कुछ लोग जो है पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, और कुछ लोग हाँ द वाइल्ड बर्ड्स ऑफ एंटार्क्टिक प्रेफर करते हैं। ये मेरी नहीं है। असद बेग जूनियर के लिए सेकंड प्राइज मिला। वाह, अफसोस ये हुआ कि पता नहीं पहला कौन था गया। हमेशा ही तुम्हारी दो इधर मेरी है। मैं इसे सीने से लगा के रखूंगा, मुझे ही शौक है इसे पढ़ने का। अच्छा ये तो बातें हाल ही में मिली थी मुझे। नहीं Oh my God! घुमा दी थी तुमने बहुत से पहले ना, घुमाएंगे स्मोकिंग और शराब करके तुम अपने मुंह का जायका पीने के मुंह का जायका खराब कर चुके हो। क्या फायदा था इसे आपका इस घर में? ये तो तुमने कभी सोचा नहीं मैं शराब और स्मोकिंग क्यों करता हूं, हैं? जाहिर है ऐसे खाने खाने के लिए पहले कुछ हल करना पड़ता है ताकि हलक से वो क्या नहीं कही थी वैसी किताब मैं देखती हूँ यहाँ मिली, वो कहाँ गई? कौन सी किताब? कंपनी। मैंने कहा ना तुम्हारे मतलब की नहीं थी भाई, मैंने पढ़नी है भाई, मैंने वो नादिर ने मांगी थी मैंने उसको दे दी। नहीं। आज का काम आज ही खत्म करेंगे, कल कर ही डालना। इतनी सारी किताबें हैं यार, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आज एक रात लगा के पूरा कर लेते ना, क्या फायदा फिर घटदारी हो काम को। रात काली करनी है तुम करो, मुझे साथ किसी के साथ खाने इसके साथ मैं ना व्लॉग बिजनेस तो क्या ऐसे ही मुंह उठा के चली जाओगी कि किसी के साथ भी हैं? कम ऑन यार, और किताबें रह गई हैं। कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं समझते। अच्छा सुनो ना, तुम्हें पता है ये जो पेंटिंग है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने तुमसे झूठ बोला। और ये अपार्टमेंट भी मुझे बहुत पसंद है, इसकी हर एक चीज। तो बजा तुम क्या बता रहे हो, तो इतनी देर हो चुकी है। तुम्ही ने तो शुरू किया ये सब, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि अब हम एक दूसरे को नहीं चाहते। हमने सिर्फ तुमने। इससे क्या फर्क पड़ता है किसने डिसाइड किया, बात तो ये तुमने मुझे डिसाइड करने दिया। तुम तो जैसे बड़ी बेवकूफ हो। तुम ना मान क्यों रही हो? लड़ोगी भी नहीं, तो तुमको शिकायत भी नहीं करोगे और मुझे बदतमीजी भी नहीं करोगे। और ये जो सारी चीजें हैं, इनसे तुम टैक्स हटा दोगी। जो हुकुम। He loves me. He loves me not. He loves me. She loves me. And she loves me. एक मिनट, ये तो तुमने मुझे गिफ्ट दी थी ना? हाँ। तो इसका खुद अपना टैग भी लगाया तुमने। मैंने गिफ्ट नहीं किया। अरे ये क्या चाह रहा है? नहीं गिफ्ट किया था तुमने मुझे, तो तुम क्यों वाप? क्या बात है तुम? अभी आधा मिनट नहीं हुआ, तुम गिड़गिड़ाए करके तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाओ और आप एक जाली चीज के लिए मुझसे लड़ रहे हो उसके लिए। अरे तो भाई कोई इलाके आदमी कोई चीज होती है, कोई तोहफा देके वापस थोड़ी लेता है। इतनी अच्छी कश्मीरी एंटी तुमने मुझे दिया था यार। तुम्हारा जरा सा भी टेस्ट होता तो तुम्हें पता चलता कि कश्मीरी एंटी ये तो उसकी थर्ड कॉपी भी नहीं है। क्या? और अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी एहसास होता तो तुम सोचते दैट इट इज आवर लाइफ। पता नहीं क्या हो गया हमें, और तुम क्या सोचोगे? जस्ट He's mine. No, no, no. नहीं, वो मेरा है। मैंने तुम्हारा क्यों? गलती से तुम खाने वाले खिलाफ रही। खिलाया तो मैंने तुम्हें भी है, लेकिन मुझे उसका क्या मिला? लेकिन उसको ज्यादा अच्छे खाने खिलाए तुमने। उसमें तुमसे ज्यादा generosity है। ओहो, बड़ी बात है। भाई वो मेरा है, मैं लाया था उसको, टहलाने भी मैं लेकर जाता था उसको। तुम तो ऐसे कह रहे हो टहलाने लद्दाख लेकर जाते थे, यही नुक्कड़ तक तो जाते थे। देखो I understand the pattern, तुम उससे मिलते जुलते रहना। हाँ तो फिर मुझे टाइम टेबल बना के दे दो कि कब मिलना है और कब नहीं। तुमने सुना है ना, कुत्ते की असली जगह औरत के पास होती है। ओह मैडम, ऐसा कोई जुमला नहीं है। डॉग्स आर मैंस बेस्ट फ्रेंड ये है। जब मैं 3 महीने के लिए गर्मियों में जाती हूँ यूरोप, आप मिलते रहते हो। ओह बड़ी बात, कराची की गर्मियों में कितना हम एंजॉय करेंगे ना मिलके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डिहाइड्रेट होता है, पानी ज्यादा पिलाता। ओह लुक हू इज टॉकिंग। मैं जब गया था इस्लामाबाद अपनी ट्रेनिंग पे, वापस आया था वो सूख के कांटा हो रहा था और तुम कैसी गुप्पा हो रही थी। तुम कैसे मेरा मुकाबला कर रहे हो कुत्ते से? ये नहीं, मैं देखो वो मेरा है, मैंने उसको पाला है, मैं उसको रखूंगा। तो ये हम दोनों ने पाला है उसको, हम दोनों की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये बात तुम समझते कब हो? यार जो भी है मैं उसको रखूंगा, वो मेरा है। ठीक है, मैं तुमसे रखूंगी तो फिर मैं यहाँ रहूंगी उसके साथ। I mean ओह कितनी अजीब औरत से मैं बात कर रहा हूँ, जो आज तक मेरे साथ सिर्फ इसलिए रही क्योंकि उसे कुत्ता चाहिए था। भाई मेरी डेट है, मुझे जाना है। अरे उसे दोनों इंतजार कर रहे, ये कोई बात नहीं हुई। देखो आप जितनी देर ये सवाल करते रहेंगे उसका कोई हाल से सुलझ नहीं निकलने वाला। तुम कुछ नहीं समझते। ये टेबल कुर्सियां चेयर फर्नीचर पेंटिंग्स म्यूजिक सीडी सब तो रख दो, ठीक है? चेक हो जाए प्लीज प्लीज। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है यार, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, तुम कभी नहीं समझे ये बात। और अब तो मुझे ये लगने लगा है तुम इतने साफ बात एक कुत्ते के लिए मेरे साथ रहे, बस एक कुत्ते के लिए। मां और ये सच है, जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो ना तुम कुछ भी डिनाई नहीं कर सकते ये बात। तुम नहीं समझती हो हां? तो ठीक है ठीक है, तुम रख लो सब रख लो, तुम ये फर्नीचर ये किताबें ये सीडीज ये एक एक चीज रख लो, जैकेट भी तुम रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ बाहर में। ठीक है मैं यही करूंगी। व्हाट? थैंक यू वेरी मच। नहीं रुको, ये थैंक यू नहीं, लिसन प्लीज, नहीं डोंट डू दिस। हेलो सुनो, 6 करोड़। हाँ, इतना महंगा खाना था यार। मुझे याद है पेंटिंग कितना महंगी खरीदी थी। तुम्हारा क्या आइडिया था आर्ट गैलरी जाने का? मैं तो होटल जाके सोना चाह रही हूँ। अरे आर्ट गैलरी आप जाते तो देखते तो नहीं है, खरीद भी लेते हैं। और वैसे भी तुम्हें शौक है हर चीज खरीद लूँ। मेरे शौक की वजह से हमारे घर में इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीजें हैं। जी बिल्कुल, और इतनी सारी अच्छी चीजें हैं तभी तुम उन पे टैगिंग भी कर रही हो। नहीं होती तो कैसे करते? जब मैं ये चीजें जमा कर रही थी तब मुझे नहीं मालूम था कि हम अलग हो। मैं तो सोचती थी हम हमेशा साथ रहेंगे। ओह, इतनी मजलूम दुल्हन थी ना तुम। जबरदस्ती करना पड़ा है ना तुमसे? तुम्हारा ये जो लहजा है ना इसमें, वेल हमने डिसाइड किया था हम सुलझे हुए लोगों की तरह बिल्कुल बगैर किसी आर्गुमेंट के ये सारा काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो देखो फर्नीचर तक तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ है, तो बेहतर है आगे भी इसी स्पिरिट से काम करें। श्योर। तो बता दो तुम्हें ये चाहिए या मैं रख लूं? मतलब तुम्हें चाहिए तो रख लो। यार देखो तुम रख लो ना, मुझे इतनी पसंद नहीं है खास। पसंद नहीं है वो पहली पेंटिंग है जो मैं साफ करेंगी। अरे तो जरूरी थोड़ी है कि पहली पेंटिंग हो तो मेरे तुझे दिलो जान से अजीज हो। नहीं चाहिए बस रख लो। कैसे 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 काले से धब्बे। काले से धब्बे? हाँ देखो नहीं, काली काली इतना छोटा सा छोटा छोटा। ये वो काले धब्बे हैं जिनके बारे में आप मूड कंटेंट, इसका मूड कंटेंट कहकर आपने रात भर इतना बोला था कि मैं बोर हो गई। ऐसी जाहिर बोलने के लिए नहीं था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा। इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि अगले 7 जन्मों तक मुझे इसके ऐसे मुसाफिर से मिलने की जरूरत नहीं। हाँ अब इन सारी बातों का क्या फायदा? तुम्हें चाहिए तो रख लो ना। तुम्हें याद है जब हमने खरीद कर निकले थे, बारिश हो रही थी, हमें कैब नहीं मिल रही थी, कितनी मुश्किलों से हम बारिश के पानी से इसको बचाते बचाते जैसे तैसे करके किस तरह होटल पहुंचे थे। और वहाँ पहुँचकर हमने इसे रखा, बहुत देर देखते रहे। हम दोनों इस बात पर मुतफिक थे कि हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग है। और अब पता चलता है तुम्हें कभी अच्छी नहीं लगी। देखो इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें अच्छी लग रही है तुम रख लो, बात खत्म। बस आओ किताबें अलग करें, बहुत सारी रहेंगी। कभी कभी बहुत वहशत होती है, घबराहट होती है, मैं साफ साफ है मुझे पता ही नहीं है तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। तुम्हें कभी मैं भी अच्छी लगी? हाँ मतलब पर इतनी अच्छी नहीं थी मेरे साथ रह सके। देखो बहुत सारी किताबें रहेंगी, अलग करेंगे। वैसे White Birds of India और ये वो तो बातें आ रही हैं। I mean my Kafka, my Dostoevsky, my Kurtula and Heber, my collection of past poetry, यार please God से कि ये फारसी में संस्कृत से गुजर जाती है, समझ ही नहीं आती। तुम कोई इकबाल या कोई गालिब की कसम सुनाओ ना, मतलब जिसे गुनगुना भी सके, मजा तो आए। मेरा बॉलिवुड में होगा। यस, यस, योर बॉलिवुड। ये लो, किसी सर्द रात को अपने आप को गरमाने के लिए तुम्हें बहुत कौन सी इधर आएगी? ये तो शौक से पढ़ती रही हो तुम। नहीं मैं इसका एक पुराना एडिशन पढ़ चुकी हूं, तब तो मुझे जानती नहीं। जब तुम खूब पढ़ा करती थी। देखो एक सर्कल था इतने बड़े वाले कितना बुरा होना है तुम्हें, उस पढ़े लिखे सर्कल से खसीर के यहां जहालत के अंधेरों में छोड़ दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट की बात। कुछ लोग जो है पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, और कुछ लोग हाँ द वाइल्ड बर्ड्स ऑफ इंडिया प्रेफर करते हैं। ये मेरी नहीं है। असद बेग जूनियर के लिए सेकंड प्राइज मिला। वाह, अफसोस ये हुआ कि पता नहीं पहला कौन था। दो 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 मेरी है। मैं इसे सीने से लगा के रखूंगा, मुझे ही शौक है इसे पढ़ने का। अच्छा ये तो बातें हाल ही में मिली थी मुझे नहीं यार। रशियन राइडर्स दोस्त प्रोवेस्की टॉलस्टॉय एक्शन गोर्की हैं। रतुलन हैदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो मेरी है, मुझे दो, मेरी है। अरे इसमें मेरा नाम लिखा है यार, मुझे मिली थी। ऐसे कैसे ये हमने ये डिब्बे का क्या हिसाब है? देखते हैं। हाँ ब्रदर्स क्रोमोसोम, मुझे याद है इसकी और भी कॉपीज है हमारे पास। मुझे याद है जब इस्लामाबाद गए थे हम, हाँ कितना बोरिंग टाइम था। बेस्ट बुक टू रीड। तुम्हें याद है ये किताब हमने पेशावर के भी सीजन की तहत ली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तुमने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तुम चिपके रहे खुशवंत सिंह की क्या किताब का नाम था? The Company of Women की किताब मसालेदार थी। मैंने एक चीज डिसाइड की है कि वो तो मैं सुबह खाली बांध दिया ये ना सारा तीन डब्बे बनाते हैं, एक ये मेरा वो तुम्हारा और ये तीसरा जो है ना ये डोनेशन के लिए, ठीक है ना? तो अगर कोई ऐसी किताब मिले जिसमें हम दोनों के नाम लिखे हों। हाँ मुश्किल ही है। तुमने ये किताब पढ़ी है Little Woman? नहीं पढ़ भी थी। नहीं पढ़ोगे? खुशवंत सिंह वाली किताब है थोड़ी। क्या कमाल ना, क्या हो गया तुम्हें? मैंने कहा ना तुम्हारे मतलब की बुक थी नहीं, और वैसे भी वो सिर्फ फोश निकाल थोड़ी है। उसने हिस्ट्री पे भी लिखा है बहुत, तारीख पे भी लिखा है, मतलब कल्चर पे भी लिखा है। How not to write a play by Walter K. कौन सा प्ले लिखा है? तुम जान से really? उसके काम आएगी और तुमने तो वैसे भी पढ़ी है। रुको उसको देना, मेरी तरफ से दे देना, कुछ हो ना तुम लोगों में आपस में बात करने के लिए। इसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत है। हाँ मैं क्या करूँगा, तुम जो वो फिक्र करने की आपको करनी नहीं चाहिए। शौक भी नहीं। क्या है ये? लॉन्ग फैन। ओह हेलो, ये आपके पास ही आपको समझी तुम? अरे मुझे पता था हमारे पास और भी इसकी कॉपी है। तुम्हें ये पता था इसमें कितने भाई हैं? हाँ इतने भाई नहीं है जितनी हमारे पास कॉपीज हैं। मैंने गाइड किया हमें तीन नहीं हमें चार डिब्बे बनाने चाहिए। क्यों? एक मेरा, एक तुम्हारा, ठीक है, एक डोनेशंस का और एक एमए किसी का। हाँ ये अच्छा आइडिया वैसे, ये जो एमए कोई होगा ना बड़ा खुशनसीब होगा, इतनी अच्छी किताब मिलेगी पढ़ने के लिए। पानी पिलाओगे? मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हो गया। डिप्टी नजीर का पूरा कलेक्शन एकदम मुफ्त। बड़ी भैया जी क्या बात है। एक्चुअली मुझसे समझ में नहीं आते ऐसे राइटर जो बस लिखे जाते हैं। तुम्हारा बस चले ना तो तुम ये कहो कि राइटर को ना एक किताब लिख के मर जाना चाहिए और फिर कुछ लिखना ही नहीं चाहिए उसे, ना? आइडिया बुरा नहीं। वैसे तुमने जितनी किताबें जमा कर ली हैं मुझे ऐसा लगता है तुम अब सारी उम्र घर से कदम बाहर नहीं करोगे, बस किताबों और म्यूजिक के साथ रोमांस करते रहो। म्यूजिक भी तो डिवाइड करनी है, ऑल सीरीज इतनी सारी है, क्या करें? वही जो किताबों के साथ कर रहे हैं, अच्छी सारी तुम रख लो, बेकार घटिया मुझे दो। मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन सी है। हाँ वो जो मैंने बनाई थी ना बस। आज का काम आज खत्म करेंगे, कल करी लाना। इतनी सारी किताबें हैं यार, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आज एक रात लगा के पूरा कर लेते ना, क्या फायदा फिर घटदारी हो काम को। रात खाली करनी है तुम करो, मुझे 7 बजे किसी के साथ खाने जाना। इसके साथ none of your business। तो क्या ऐसे मुंह उठा के चली जाओगी कि किसी के साथ भी हैं? शादी में कैसे खुश रहा जाए। अरे ये जो कोई ऐसी होगा ना ये उसी के काम आएगा। नहीं इसे मेरे डिब्बे में। हाँ वाकई में तुम्हें तो ये काम आने वाली, बल्कि मैं काम करूँगा इसमें तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। फॉर्म सीमा जो शादी के बाद भी अपना बचपना न छोड़ सके। और अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी शादी को कामयाब बनाने के लिए एक नहीं दो लोगों की जरूरत होती है। ओह बिल्कुल बजा फरमाया आपने सुबैदा। अरे सही करके रख रहा हूँ यार। कहाँ हो गई? कहाँ हो गई? एक काम करो। ओ तुम वो पढ़ो ना, ये जो इधर रखी हुई है साइड में, क्या क्या देखो किताब में है और क्या। तुम एक काम करो, तुम ये पढ़ो, ये लाइक म्यूजिक लगाता, उसके बाद तुम इसका एक पैसेज पढ़ो, ठीक है? एक आइडिया है, तुम एक काम करो ना, तुम ना ऐसी क्रिटिकल परफॉर्मेंस बना लो, इमोशनल सी, सेंटिमेंटल सी, है ऐसा कर लो और जैसे जैसा करते पापा, ये तुम वीडियो में परफॉर्म कर लेना। हां हां उधर लो, समझ लो। ऐसा तुम हमेशा यही करते हो, मैं कुछ भी ऐसी बात करूं तो हवा में उड़ा देते हो, मजाक बनाते हो। तुम्हें ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि ये कहानी है, हमारी कहानी है। हां बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो आई शुड बी द ब्राउन वन, जैसे सारे समाज में ब्लैक ब्यूटी से जुदा कर दिया। Your lyrics, your horrible, मेरे लिए काफी है कि No, no, this is not going to happen. ये तुम्हारी हरकत है सर। मुझे तुमने पहले ब्लैक ब्यूटी खवाया, उसके बाद दी थी कि म्यूजिक लगा दिया यहाँ पर ताकि माहौल ये दे दो उसको और कहो कि इसी सफर पर निकल जाए। उसको कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, क्योंकि I like him, वो यही रहेगा। हाँ I like him too, अगर वो वही रहे तो। बहुत सुस्त तो, हाथ तेज चलाओ, मुझे देर पड़ जाना है। उसे बोलो इंतजार करें, हम ज़्यादा important काम कर रहे हैं। क्या important काम कर रहे हैं हम? क्या important काम कर रहे हैं यहाँ पे? Come on यार, और किताबें रह गई हैं। कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं समझते। अच्छा सुनो ना, तुम्हें पता है तुम्हें पता है ये जो पेंटिंग है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। अरे मुझे झूठ बोला। और ये अपार्टमेंट भी मुझे बहुत पसंद है, इसकी हर एक चीज। तो बजा तुम क्या बता रहे हो, तो इतनी देर हो चुकी है। तुम्ही ने तो शुरू किया ये सब, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि अब हम एक दूसरे को नहीं चाहते। हमने सिर्फ तुमने। इससे क्या फर्क पड़ता है किसने डिसाइड किया, बात तो ये है तुमने मुझे डिसाइड करने दिया। तुम तो जैसे बड़ी बेवकूफ हो। तो ना तुम वहां क्यों हो? लड़ोगी भी नहीं, तो तुमको शिकायत भी नहीं करोगी और मुझे बदतमीजी भी नहीं करोगी। और ये जो सारी चीजें हैं इनसे तुम टैक्स हटा दोगी। जो हुकुम। He loves me. He loves me not. He loves me. She loves me. And she loves me. एक मिनट, ये तो तुमने मुझे गिफ्ट दी थी ना? हाँ। तो इसको खोलो, अपना टैग भी लगाया तुमने। मैंने गिफ्ट नहीं दी। अरे ये क्या चाह रहा है? नहीं गिफ्ट किया था तुमने मुझे, तो तुम क्यों क्या आदमी हो तुम? अभी आधा मिनट नहीं हुआ, तुम गिड़गिड़ाए करके तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाओ और आप एक जाली चीज के लिए मुझसे लड़ रहे हो उसके लिए। अरे तो भाई कोई इलाके आदमी कोई चीज होती है, कोई तोहफा देके वापस थोड़ी लेता है। इतनी अच्छी कश्मीरी एंटी तुमने मुझे दिया था यार। तुम्हारा जरा सा भी टेस्ट होता तो तुम्हें पता चलता कि कश्मीरी एंटी ये तो उसकी थर्ड कॉपी भी नहीं है क्या? और अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी एहसास होता तो तुम सोचते दैट इट इज आवर लाइफ, पता नहीं क्या हो गया हमें। और तुम क्या सोचोगे? जस्ट He's mine. No, no, no. नहीं, वो मेरा है। मैंने तुम्हारा क्यों? गलती से तुम खाने वाले खिलाफ रही। खिलाया तो मैंने तुम्हें भी है, लेकिन मुझे उसका क्या मिला? लेकिन उसको ज्यादा अच्छे खाने खिलाए तुमने। उसमें तुमसे ज्यादा generosity है। ओहो, बड़ी बात है। भाई वो मेरा है, मैं लाया था उसको, टहलाने भी मैं लेकर जाता था उसको। तुम तो ऐसे कह रहे हो टहलाने लद्दाख लेकर जाते थे, यही होकर तक जाते थे। देखो I understand the padla, तुम उससे मिलते जुलते रहना। हाँ तो फिर मुझे टाइम टेबल बना के दे दो कि कब मिलना है और कब नहीं। तुमने सुना है ना कुत्ते की असली जगह औरत के पास होती है। ओह मैडम ऐसा कोई जुमला नहीं है, डॉग्स आर मैन्स बेस्ट फ्रेंड ये है। जब मैं 3 महीने के लिए गर्मियों में जाती हूँ यूरोप आके मिलते हैं। ओह बड़ी बात, कराची की गर्मियों में कितना हम एंजॉय करेंगे ना मिलके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डिहाइड्रेट होता है तो पानी ज्यादा पिलाता। ओह लुक हू इज टॉकिंग। मैं जब गया था इस्लामाबाद अपनी ट्रेनिंग में, वापस आया था वो सूखे कांटा हो रहा था और तुम कैसी गुप्पा हो रही थी। तुम्हें कुत्ते से मेरा मुकाबला कर रहे हो? कुत्ते से? ये नहीं, मैं देखो वो मेरा है, मैंने उसको पाला है, मैं उसको रखूंगा। तो ये हम दोनों ने पाला है उसको, हम दोनों की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये बात तुम समझते कब हो? यार जो भी है मैं उसको रखूंगा, वो मेरा है। ठीक है, मैं तुमसे रखूंगी तो फिर मैं यहाँ रहूंगी उसके साथ। I mean ओह कितनी अजीब औरत से मैं बात कर रहा हूँ, जो आज तक मेरे साथ सिर्फ इसलिए रही क्योंकि उसे कुत्ता चाहिए था। भाई मेरी डेट है, मुझे जाना है। अरे उसे दोनों इंतजार कर रहे, ये कोई बात नहीं हुई। देखो आप जितनी देर सवाल करते रहेंगे उसका कोई हाल से सुझाव नहीं निकलने वाला। तुम कुछ नहीं समझते, फैलती रहेगी बात, फैलती रहेगी। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, ये सब के बाद कितनी अकेली होने वाली हो। मुझे किसी की जरूरत होगी, कोई होना चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट करे। तुम्हें अब प्रोटेक्ट करने के लिए एक कुत्ते की जरूरत है? एक कुत्ता करेगा प्रोटेक्ट तुम्हें? देखो मैं कहाँ बात कर रही हूँ, कोई फायदा नहीं इस गुफ्तगू का। देखो मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं ये टेबल कुर्सियां चेयर फर्नीचर पेंटिंग्स म्यूजिक सीरीज सब तो रख दो, ठीक है? चेक हो जाए तो प्लीज प्लीज। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है यार, वो हमारी बस एक कुत्ते के लिए माँ, और ये सच है। इसलिए आप मुझे देख रहे हो ना, तुम कुछ भी डिनाई नहीं कर सकते ये बात। तुम यही समझती हो ना? हाँ? तो ठीक है तुम रख लो सब रख लो, तुम ये फर्नीचर, ये किताबें, ये सीडीज, एक चीज रख लो, जैकेट भी तुम रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ बाहर में। ठीक है, मैं यही करूंगी। और थैंक यू वेरी मच। नहीं रुको, ये थैंक यू। नहीं, listen please, don't do this.